आरोन जा रही सिकरवार बस में बुधवार रात करीब 8:30 बजे डंपर ने टक्कर मार दी। इसके बाद डीजल टैंक फटने से बस आग का गोला बन गई। इसमें 13 यात्रियों के जिंदा जलने की खबर सामने आई है। इसके साथ ही 16 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायल यात्रियों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। इनमें से कुछ की हालत बेहद नाजुक है और ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। शव बुरी तरह से जल जाने के कारण देर रात उनकी पहचान नहीं हो पाई थी। दुर्घटना की जानकारी मिलने के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दुख व्यक्त करते हुए जांच के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि हर दिन की तरह 32 सीटर सिकरवार बस बुधवार रात करीब 8 बजे गुना से आरोन के लिए रवाना हुई। बस जिला मुख्यालय से करीब 7 किलोमीटर दूर ही पहुंची थी कि डंपर के सामने आने से टक्कर हो गई। इसके बाद बस पलट गई और आग लग गई। इधर सूचना मिलते ही कलेक्टर तरुण राठी और SP विजय खत्री घटना स्थल पर पहुंचे और घायलों को एम्बुलेंस और अन्य वाहनों से जिला अस्पताल पहुंचाया। अंधेरा होने के कारण बचाव कार्य में देरी हुई तो देर रात पुलिस ने घटना स्थल पर रोशनी के लिए अपने वाहनों में रोशनी की व्यवस्था की। जानकारी के अनुसार बस बिना बीमा और फिटनेस के दौड़ रही थी। बस की फिटनेस अवधि 17 फरवरी 2022 को ही खत्म हो गई थी और बीमा अवधि 30 अप्रैल 2021 को। परिवहन विभाग और जिम्मेदारों की अनदेखी के चलते ही इस बस की नियमित जांच नहीं हुई है। बस में इतनी ज्यादा आग की लपटें निकल रही थी कि कोई व्यक्ति बस के अंदर फंसे लोगों को निकालने भी नहीं जा सका। जैसे ही बस में लपटें उठना शुरू हुई वैसे ही यात्रियों ने चीख पुकार शुरू कर दी। बस जिस रास्ते पर चल रही थी वो सुनसान इलाका था। बस के डंपर से टकराने के बाद रुकने पर बस की जब टक्कर हुई तो कुछ यात्री बाहर निकले और फोन करके पुलिस को सूचना दी। कुछ यात्रियों ने बस के दरवाजे खिड़की से कूदकर अपनी जान बचाई। सूचना मिलने के बाद पुलिस और प्रशासन का बचाव दल मौके पर पहुंचा और घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया। बस में आग लगने के बाद आगे और बीच की सीटों पर बैठे कुछ ही यात्री बाहर निकल सके थे। बस के पिछले हिस्से में बैठे लोग झुलसने लगे थे। जब तक पुलिस और प्रशासन का राहत दल पहुंचा तब तक 15 लोग तो बुरी तरह झुलस गए थे। बस से निकाले गए कुछ यात्रियों ने अस्पताल में दम तोड़ा। मृतकों और घायलों की संख्या बढ़ने की आशंका बनी हुई है। घटना होने के बाद जिला अस्पताल में इमरजेंसी अलर्ट जारी किया गया। सभी डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ को ड्यूटी पर बुला लिया गया। अस्पताल में घायलों के उपचार की भी सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही है। क्षेत्रीय विधायक पन्ना लाल शाक्य ने अस्पताल पहुंचकर घायलों से चर्चा की और उपचार की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बस दुर्घटना की जाँच के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही परिवहन विभाग के अधिकारियों से कहा है कि भविष्य में इस तरह की घटना दोबारा न हो और ये सुनिश्चित किया जाए। दुर्घटना में मृतक के स्वजन को 4 लाख और घायलों को 50,000 रुपए आर्थिक मदद देने के निर्देश दिए हैं।